वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबका वापस अगले क्वेश्चन के अंदर, अगली वीडियो के अंदर। अभी अपन वही चैप्टर टू पढ़ रहे हैं, 10th क्लास की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.1 चल रही है। और अब आ गया अपने सामने क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अलग अलग पैटर्न से सॉल्व करके बताया है मैंने, दो तरीके से सॉल्व कर बताया है, एम वाले फॉर्म में से और क्यू वाले, कभी एम को धनात्मक पूर्णांक माना है कभी क्यू को माना है। तो दोनों ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक एक तरीके से मैंने बताया, एक एक तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब अपन बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्वेश्चन, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन ही लिखा है और स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, अपने को ये प्रूव करना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो संख्या होती है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है, 6q+1, 6q+3, 6q+5, इस फॉर्म में हो सकती है। ये चीज़ अपने को क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो वही तरीका, पहले अपन क्या मान लेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक अपन ने क्या मान लिया, सबसे पहले ए मान लिया, क्या मान लिया, ए, और बी की वैल्यू अपन ने क्या मान लिया यहाँ पे, 6। मान क्या ली, यूक्लिड सूत्र के हिसाब से 6 की वैल्यू, क्यू 6 बी की वैल्यू है। अब यूक्लिड सूत्र होता है वो क्या होता है अपना, यूक्लिड सूत्र सबसे पहले लिखेंगे अपन, यूक्लिड सूत्र हो गया अपना ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। और सूत्र द्वारा अगर प्रश्न के हिसाब से देखें अपन, तो प्रश्न के हिसाब से ए इजिकल टू क्या बन जाएगा, बी इजिकल क्या लग गया, 6, सॉरी ए इजिकल टू 6 क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको मैं एक समीकरण मान लेता हूँ, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो यहाँ पे R की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो भाजक से हमेशा छोटी होगी, भाजक अपना यहाँ पे क्या है, 6 है, B यहाँ पे क्या होता है, भाजक होता है, तो भाजक से छोटी होगी 6 से और 0 से बड़ी होगी, हमेशा ही क्या होती है, 0 से बड़ी और 6 से छोटी, भाजक से छोटी। तो R के जो पॉसिबल मान है, R के जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है अपना यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुट करेंगे, इनमें से किसी नंबर के ऊपर ये वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक एक पैटर्न के अंदर। मैं इसके 3 भाग कर लेता हूँ क्योंकि अपने पास 3 नंबर है। ठीक है, तीनों नंबर इसके अंदर इजीली आ जाएंगे, तो अपन 3 भाग कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं उठता हूँ समीकरण 1 द्वारा, समीकरण 1 ले लिया मैंने और R इजिकल टू पुट कर दिया मैंने 0, R की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 0। तो समीकरण 1 के अंदर R की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो A इजिकल टू क्या आ जाएगा अपना, 6Q, क्या आ गया, 6Q। 6Q जो है वो एक क्या है, सम है, क्या है, सम संख्या है, क्योंकि क्योंकि जगह 1, 2, 3, 4 आर क्यूब लिखो तो 6 की टेबल क्या आ जाएगा, 6, 12, ठीक है, 18, ठीक है, तो ये 6 की टेबल आ गई, 24, ये सारे ही क्या है, सम नंबर है। तो a इजिकल टू 0 पे विषम संख्या नहीं आती है और ना ही अपने यहाँ पे 6q लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूँ r इजिकल टू 1, क्या लिख लिया, r इजिकल टू 1, तो r इजिकल टू 1 अगर 6 इसके अंदर पुट करूँ तो ये आ जाएगा a इजिकल टू 6q+1, a इजिकल टू 6q+1। अब यहाँ पे अगर मैं टेबल लिखूँ 6 की टेबल, तो 6, 12, 18, 24, ये 6 की टेबल आ गई, लेकिन प्लस वन करूँगा इसमें 7, इसमें प्लस वन करूँगा तो 13, प्लस वन करूँगा तो 19, प्लस वन करूँगा तो 25। तो सारे ही नंबर है वो क्या है, विषम नंबर है, तो संख्या क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। तो ये क्या आ गया, 6q+1 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, समझ में आया, आगे कर पुट करता हूँ मैं, r इजिकल टू 2, तो ये आ जाएगा a इजिकल टू 6q+2। अब फिर से वही 6 की टेबल, आप 6 की टेबल किसमें भी अगर 2 प्लस करोगे तो फिर से आपके पास क्या आएगी, एक सम नंबर ही आएगा। ठीक है, 6+2 8 आ गया, 12+2 14 आ गया, 18+2 कितना आ गया, 20 आ गया, सारे सम नंबर आए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे r इजिकल टू 3, तो ये आ जाएगा a इजिकल टू 6q+3। अब यहाँ फिर से क्या आएगा, विषम नंबर आएगा, देखो टेबल है, ये 6 का टेबल आ जाएगा यहाँ पे, 6, 12, 18, 24, किसी में भी अगर आप 3 प्लस करो, इसमें क्या तो 9, इसमें क्या तो 15, इसमें क्या तो 21, इसमें क्या तो 27, सारे ही क्या है, विषम नंबर है। तो दूसरा वाला नंबर अपना कौन सा आ गया, 6q+3, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया, 6q+3। दिख रहा है आपको, एक एक करके प्रूव हो रहा है इजीली। अब फिर से अपन करेंगे r इजिकल टू 4 पे प्रूफ होगा ही नहीं, सम नंबर है, देखो सम नंबर किसी के अंदर प्रूफ नहीं हो रहा है, तो अपन डायरेक्टली क्या लेंगे, r इजिकल टू
फाइव लेंगे तो ये आ जाएगा ए इजिकल टू सिक्स क्यू प्लस फाइव, आ गया ए इजिकल टू सिक्स क्यू प्लस फाइव। ठीक है देखो सिक्स क्यू प्लस फाइव यहाँ पे प्रूव करके देख लो, भले तुम सिक्स की सिक्स क्यू है तो सिक्स क्यू टेबल। अब मैं टेबल क्यों बोल रहा हूँ, सीधी सी बात है देखो क्यू की जगह वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी लिखोगे तो एक टेबल ही बनेगी सिक्स की। तो ये आ गया एटीन ट्वेंटी फोर, किसी में भी अगर मैं फाइव पुट करता हूँ, फाइव एड कर लिया मैंने, इसमें किया तो इलेवन, इसमें किया तो सेवनटीन, इसमें किया तो ट्वेंटी थ्री, इसमें किया तो ट्वेंटी नाइन, सारे ही क्या है अपने पास विषम नंबर है, विषम धनात्मक पूर्णांक आ गई। समझ में आ रहा है आपको इजीली, तो क्या हो गया तो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव की फॉर्म में हो सकते हैं। इजीली प्रूव करके बता दिया मैंने, सिंपल सा है, कोई जल्दबाजी में बताया हो तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसको, मेरे हिसाब से बहुत ईजी था, इससे पहले मैंने इससे हार्ड क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं इसलिए मैंने इसको जल्दी से सॉल्व करा दिया। ओके थैंक यू द वीडियो देखने के लिए, पूरा देखने के लिए, और यहाँ तक देखा है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट्स भी कीजिए आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन को भी आपको समरी और शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाए और अच्छे से बोर्ड के सबसे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करने को मिल जाए। ओके थैंक यू।